जो वाटर है, ये जो क्या है वाटर है, तो वाटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और इस पार्टिकल के बीच में खाली कुछ स्थान होते हैं, और उसी खाली स्थान में क्या होगा, ये जो हमारे पास जो नमक है वो सेटल डाउन हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना नमक हम लोग डाल रहे हैं, और डालने के बाद देखिए थोड़ा सा पानी जो है ऊपर आ रहा है, और इसको हम धीरे धीरे मिक्सअप कर देते हैं, और मिक्सअप करने के बाद क्या होगा, जैसे देखिए आपको दिखाया गया इसमें जो है व्हाइट बोर्ड पर कि वाटर का मॉलिक्यूल्स है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में साल्ट का जो है पार्टिकल दिखाया गया, वो उसी तरह से सेटल्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरा वाटर है, इस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्थान तो है, लेकिन इतना स्थान नहीं है कि पूरा ये जो प्लास्टिक वाला जो नमक है इसमें चला आएगा। जो खाली स्थान है उसमें तो नमक चला जाएगा, लेकिन उसके बाद का अगर हम नमक डालते हैं तब क्या होगा, वाटर लेवल जो है ऊपर आ जाएगा। जो खाली स्थान था वहां तक तो चलाएगा, वहां तक, वहां तो जो है साल्ट का जो पार्टिकल्स है जाकर सेटल डाउन हो गया। लेकिन जैसे ही हम अगर माल ज्यादा नमक इसमें डालेंगे तब क्या होगा कि वाटर का जो लेवल है वो ऊपर चलाएगा। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऊपर आया लेवल? यस सर, आ गया ऊपर। यस सर, ऊपर आया। नहीं ठीक है, अभी अभी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम और नमक डालते हैं, अगर इतना नमक हम डाल दिए, आप देखिए क्या होने की संभावना है। अब इतना नमक डालने के बाद क्या होगा कि स्वाभाविक है कि आप देख रहे हैं कि ये जो वाटर का लेवल है ये क्या हो गया, ऊपर आ गया। यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था, जो खाली स्थान था, उसमें सारा नमक सेटल हो गया। अब अगर अधिक नमक इसमें हम डालेंगे तो अब तो जगह है ही नहीं, तो अब क्या होगा, वो बीच में नहीं जा पाएगा, और धीरे धीरे जो है पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये बढ़ करके पूरा जो है क्या, देखिए स्पष्ट अब दिख रहा है। अब हम कितना भी मिलाएं इसको, अब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो वो क्या होगा कि वाटर का जो लेवल है वो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखते हैं, एक तो बात समझना है कि वाटर जो है या कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहेगा तब ना उसके बीच में स्पेस होगा। ठीक है, पहला है कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और दूसरा क्या हो गया कि ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस होता है। इस एक्सपेरिमेंट से जो है हम लोग दो चीज देखते हैं और सीखते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं।